हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम फ्लावर के पौधों के लिए मिट्टी बनाएंगे। वैसे तो मेरे गार्डन की मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन पौधों पर ज़्यादा फूल आए इसलिए हम कुछ अलग मिट्टी बनाएंगे और उनमें खाद डालेंगे। वो मिट्टी जो बहुत हल्की होगी और पोरस होगी। यहाँ पर मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ली है 30% और ये सैंड है 25% और ये कोकोपीट है 20% और ये गोबर का खाद है 30% और ये कोकोपीट है। यहाँ पर इन सभी खाद को मिक्स कर और मैं इसको एक कंप्लीट पोरस मिट्टी बनाऊंगी। ये बहुत बढ़िया खाद होती है और बहुत हल्की भी हो जाती है, क्योंकि सभी गमले पॉट हमारे बालकनी में होते हैं तो बालकनी में हम ज़्यादा वेट भी नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं यहाँ कोकोपीट और इतने तरह का खाद इसलिए मिक्स करती हूँ। मिट्टी में कम ही यूज करती हूँ, सैंड में इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि इन सभी में कम वेट होता है। ये गुलदावरी की पौध है जो मेरे एक माली अंकल हैं, वो लेकर आए थे कि बेटा देखो बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आएंगे, कलरफुल आएंगे बहुत सारे, उन्होंने मिक्स करके एक जगह ही ने बांधा हुआ है। तो ये 3 कलर की गुलदावरी होगी इसी एक उसमें, तो देखते हैं भाई कैसे फूल आते हैं। सभी पॉट्स को मैंने इसी तरह से तैयार किया है जैसे हमेशा करती हूँ, हर वीडियो में करती हूँ उसी तरह से। देखो ये बहुत सारी पौध है गुलदावरी की, देखो इन पर कैसे कैसे फूल आते हैं। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इनके फूल। तो कैसे भी हो सभी सुंदर लगते हैं, गेंदे के, गुलदावरी के, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। और ये सीजन तो फूलों का है ही, सीजन में तो हर पौधे पर फूल होते हैं और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बालकनी में 4 चांद लग जाते हैं, गार्डन बहुत सुंदर लगता है। ये गेंदे के हैं और ये भी बहुत सारे कलर एक ही साथ हैं, लेकिन मैं एक एक पॉट में 2-2 ही गेंदे के लगाऊंगी। मैं हमेशा से ही पौध को शाम के टाइम लगाती हूँ क्योंकि मुरझाने के कम चांस होते हैं। एक तो धूप नहीं आती, धूप में क्या है हमारी जो पौध होती है वो मुरझा जाती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।